आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम गुड़ की चाय, जो कि बन के तैयार होगी तो फटेगी भी नहीं। अगर आप गुड़ की चाय बनाना सीखना चाहते हैं तो देखते रहे वीडियो, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानुका किचन। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मज़ेदार गुड़ की चाय, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमने सोचा कि गुड़ की चाय बनाते हैं और आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। तो गुड़ की चाय बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है मेरा, क्योंकि अक्सर लोगों की गुड़ की चाय जो फट जाती है। लेकिन जिस टिप से मैं आपको बताऊंगी, आपकी गुड़ की चाय बहुत अच्छी बनेगी। आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध और 1 कप पानी। हम 2 कप बना रहे हैं तो इसलिए हमने दूध और पानी का हिसाब जो है बराबर कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी रखा हुआ है, लेकिन मैं जो पानी है 1.5 कप लूंगी। इसलिए बना तो हम 2 कप, 1.5 कप इसलिए लेंगे पानी का हम, कि जब हम इस कावे को पकाते हैं, हमारी सारी चीजों का फ्लेवर आना होता है, तो थोड़ा सा कावा जो है पक के कम हो जाता है। तो इसलिए जब वो कम हो जाएगा तो हमारे 2 कप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, 1 कप दूध, 1.5 कप पानी। यहाँ पे मैंने ले लिया गुड़, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया, 2 से 2.5 टेबल स्पून। आप गुड़ जो है अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा पीते हैं। गुड़ को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, कोशिश कीजिएगा कि गुड़ जो है वो नया हो, बहुत पुराना ना हो, ताकि आपकी चाय अच्छी बन सके। यहाँ मैंने ले लिया है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, उसको मैंने छील के इस तरीके से कूट के रख लिया है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से चाय में आ सके। यहाँ मैंने ली है चाय की पत्ती, आप कौन सी भी चाय की पत्ती इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने लिए 1 टीस्पून, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो 1 टेबल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ली हैं 3 चीज़ें, 2 इलायची ली हैं जिनके मैंने मुंह खोले हैं, हरी इलायची, 2 लौंग लिए हैं, और यहाँ मैंने 1 से 2 चुटकी नमक लिया है। इसका फ्लेवर गुड़ की चाय में बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब हम आपको बताते हैं ये चाय किस तरह बनाएंगे। हमने एक पतीली ले ली है, इसमें हम डालेंगे अपना ये पानी, ये 1 कप, और 1/2 कप हम और इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये 1/2 कप मैंने और डाल दिया, ताकि हमारा जो कावा है वो अच्छे से पके। अब इसमें हमने डाल देना है, अच्छा आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है, गुड़ डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, लौंग और छोटी इलायची और नमक। ये हमने डाल देनी है चाय की पत्ती, और ये अदरक जो हमने आपको बताया है, अदरक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स करना है और कावा पकने का इंतज़ार करना है। दूसरी साइड पे मैंने दूध जो है हमारा बॉयल था, लेकिन मैंने उसे उबालने के लिए रखा है, क्योंकि ये जो हम चाय बना रहे हैं इसके बीच में हम दूध शामिल नहीं करेंगे। दूध को लैदा से बॉयल करेंगे और गरम गरम दूध जो है कावे के बीच में शामिल करेंगे। तो ये जैसे ही कावा पकता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे कावे में उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से हमारा कावा पक रहा है। इसे हमने इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, ठीक है, क्योंकि जो हमने 1/2 कप पानी डाला था वो बिल्कुल भाप बन के ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे ये होगा कि एक तो हमारा कावा बहुत अच्छे से पक जाएगा, कच्चापन नहीं होगा चाय में, और दूसरा ये हमारी हर चीज़ का फ्लेवर, गुड़ का और इलायची का, लौंग का और पत्ती का सारा फ्लेवर कावे में अच्छे से आ जाएगा। तो इसको अब हमने 1 कप रहने तक पकाते रहना, यानी 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद पकने में। तो ये जैसे ही तैयार होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सी चाय की रेसिपी हैं, अगर आप चाय देखना तो देख सकते हैं। मुख्तलिफ चाय है, कश्मीरी चाय, इलायची चाय, दम चाय, दूध पत्ती चाय, और अब मैं ये बना रही हूँ अदरक की चाय। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी रेसिपी देखनी है मेरे चैनल पर तो आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही कावा कम होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। हमारा कावा बहुत अच्छे से पक गया है, अब हम चूल्हा बंद करेंगे। दूध भी हमने बॉईल कर लिया, अब हम इसे कप में डालेंगे और आपको बताते हैं। अब हमने क्या करना है, अपना जो कावा जो हमारा पक गया है इसे कप में डालना है। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे, 1/2 कप से ज़्यादा इसमें डालेंगे, और अब हमने इसमें शामिल करना है दूध। दरअसल दूध जो है वो हमें कावे में डाल के पकाना नहीं है, ये करना है हमें, और कोई भी इसकी वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं कावा इसमें करूँगी। अच्छा, अब हमने दूध जो है वो बॉयल कर लिया है, और गरम गरम दूध जो है हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी गुड़ की चाय जो बनी है ये बिल्कुल फटी नहीं है। इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे हम। गुड़ की चाय तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और फटी भी नहीं है। आप भी बनाइए, पीजिए, इंजॉय कीजिए, और मैं बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।